India's growth become brave. M3 में सर M1 प्लस अनएम्प्लॉयमेंट फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. हेलो गाइस एंड वेलकम टू विद्या फर्स्ट. मैं हूं सुनील कुमावत और आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वाइवा फॉर सेशन 2022. तो वाइवा हम रिकॉर्ड करेंगे और आपने पहले भी कई सारे मेरे वीडियो देखे होंगे वाइवा के. तो आज हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कवर करें. ठीक, तो शुरुआत करते हैं आज के वाइवा की. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हर्ष. यस सर. हर्ष हर्ष, ऑन विच टॉपिक यू हैव प्रिपेयर्ड प्रोजेक्ट? ऑन ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन, ओके. सो टेल मी समथिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइज मीन्स connecting two or more countries in trades, selling goods and services between inter countries. Okay, well, how it concerned with Indian economy? When we globalized, India's growth became rapid. When we have we globalized? After our independence in early 1990s. In early 1990s we globalized. Then what we started? Okay. Then what is new economic policy? LPG. LPG. So I am asking you, what is new economic policy? We done liberalization, privatization, and globalization. In liberalization, we liberalize our policies for trade. Before it was some cutoffs. And quotas, we removed that, and we in globalization we did devaluation of rupee. Devaluation of rupees. So devaluation of rupees करने से क्या हमें क्या फायदा? हमारे पैसे की वैल्यू हम खुद ही गिरा रहे हैं, तो फायदा क्या होगा? सर, अगर हमारे यहाँ रुपये सस्ता होगा तो लोग हमारे यहाँ से इम्पोर्ट ज़्यादा, मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे, वो इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनको सस्ता पड़ेगा, तो हमारी इकोनॉमी कुल मिला के ग्रो करेगी. कैसे? फॉरेन के पीपल को सस्ता पड़ेगा तो वो हमारे यहाँ आएंगे और हमसे काम करवाएंगे. कोई एग्जांपल दे सकते हो? हाँ. कैसे? कोई एग्जांपल दो. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, BPO. नहीं नहीं, आपने इसे रुपीस की वैल्यू कम की. हाँ. तो रुपीस की वैल्यू कम करने से आपका बिजनेस, हमारा बिजनेस जो है फॉरेन कंट्री से बढ़ेगा. हाँ. है ना? तो वो ऐसा क्यों होगा? मतलब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा? कोई एग्जांपल देके समझा सकते हो आप? जैसे इंडिया में लेबर सस्ता पड़ता है तो फॉरेन की कंपनीज, जैसे कॉटन के, मैं सिर्फ और सिर्फ रुपीस की बात कर रहा हूँ. रुपीस की वैल्यू कम करने से आप एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों होगा आपका? रुपीस कम होगा तो दूसरी कंट्रीज को चीप पड़ेगा, तो वह हमारे यहाँ से सामान जल्दी ले पाएंगे क्योंकि उनकी करेंसी बड़ी रहेगी हमसे. एग्जाम्पल तौर पर मान लो कि जो है $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ है फिलहाल, है ना? मैं मान लेता हूँ. तो $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़. ठीक, हमने रुपीज़ की वैल्यू कम की, इट मीन्स क्या करेंगे? 80 से 120 करेंगे रुपीज़ या 40 करेंगे, क्या करेंगे? 80 से 120 होगा. 120 होगा. तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? हमारी करेंसी गिर चुकी है और उनकी, मतलब उनकी वही सेम स्टेबल है. सिंपल सी बात है कि वो पहले 80 रुपीज़ की चीज़ें परचेस कर रहे थे, 120 परचेस कर पाएंगे. चलो ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं. तो हाउ विल यू डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट? सर, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ फिनोमेना इन विच अ पीपल इज विलिंग और एबल टू डू जॉब बट ही और शी नॉट गेट जॉब, दैट्स कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, एंड what are the types of unemployment are there? There are mainly three types of unemployment: fictional unemployment, structural unemployment, and cyclic unemployment. What is disguised unemployment? Disguised unemployment is a type of unemployment. It is a type of hidden unemployment in which people are working job more than requires people are required. Numbers of people are required in that. Or koi simple language mein aap is baat ko samjha sake? No sir. Koi example? Examples are in farming, they are the people are the need of people is
law and the farm, then the peoples are working more. But usually they work more. More people work there. Okay. What are the basic, means fundamental reasons behind unemployment? The fundamental reasons behind unemployment, first is one of the main cause of unemployment is population. Second is education, lack of education system in India, and in village there are lack of vocalization skill in the peoples. And third one is vocational. And third one is there are required of experienced people, not freshers. Third one. Experience people's ki requirement hai. To ye unemployment ke reason kaise matlab? हाँ सर, जो फ्रेशर्स रहते हैं उनको जॉब्स नहीं मिल पाती है, और अधिकतर कंपनी ये चाहेगी कि हम एक्सपीरियंस पीपल को जॉब पर रखें, तो फ्रेशर्स उसकी वजह से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली. हमको ऐसा ये भी एक रीजन है. ओके ओके. इज देयर एनी स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर रिमूव आउट द अनएम्प्लॉयमेंट? यस सर. फॉर प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट एनी प्रोग्राम? यस सर, देयर आर मेनी स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट. वन ऑफ द बेस्ट स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इज मनरेगा 2005, इन विच दे गिव पीपल्स अप्रोक्सीमेट 100 days of वर्क, इन विच दे गेट 150 rupees पर डे, एंड इट विल बी इन देयर 200 डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट. ओके. डू यू नो समथिंग अबाउट CMEGP और PMEGP? यस, दे आर द ऑल्सो फुल फॉर्म ऑफ सर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना और नहीं EGP रोजगार योजना है ही नहीं इसमें सर. PMRY. अच्छा PMRY नहीं, आई एम आस्किंग PMEGP. PMEGP आई डोंट नो सर. ओके. प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. यस. ओके. यस, यू मे कंटिन्यू. यू आर टेलिंग अबाउट मनरेगा. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एक्ट. महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर देयर? सर देयर आर टू टाइप्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट. वेज एम्प्लॉयमेंट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? सर इन सेल्फ मनी एंड बैंकिंग, सो वुड यू डिफाइन मनी? सर मनी इज एनीथिंग, नहीं मनी इज एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट सर फ्रॉम मनी इज एनीथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर. एंड सर इट हैज ओके. आई मेक दिस क्वेश्चन मोर सिंपल फॉर यू. यस. व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मनी? सर वी यूज मनी फॉर, दिस इज अ मेजर ऑफ वैल्यू सर. You does measure of value and yes, measure of value sir. A unit of store. A unit of store means sir we can store money for store कर सकते हैं. Yes sir. And sir एक function है standard of deferred payment. So इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये है कि मतलब हम इसको है ना सर बाद में, मतलब जैसे किसी चीज़ का लोन लिया तो उसको हम सर मनी में बाद में भी दे सकते हैं इसको. तो बाद में तो कोई भी चीज़ दे सकते हैं उसमें मनी का क्या है सर? पर अगर पैसा बाद में दिया जा सकता है, लेकिन एक टाइम पे जब बार्टर सिस्टम चलता था तो उस टाइम पे सर ऐसा नहीं होता था ना, क्योंकि किसी को राइस चाहिए होता था, किसी को वीट चाहिए होता था, वो एक्सचेंज तो कर लेते थे हैंड टू हैंड. फ्यूचर पेमेंट की बात हो रही है सर. फ्यूचर पेमेंट में सर क्योंकि कोई सी भी चीज़ मनी को बाद में दिया जा सकता है सर, पर दूसरी चीज़ को नहीं दिया जा सकता. क्योंकि उस बात पर नहीं आ पा रहे हैं. खैर मैं जवाब देता हूँ कि आपने किसी से पैसे उधार लिए, अब उसको 2 साल बाद चुकाना है, तो मनी में काउंट करना आसान है कि भाई उसका इंटरेस्ट भी देना है. हाँ. तो मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपये लिए, तो 2 साल का मान लीजिए ब्याज जो बना 20,000 रुपये बना, तो आपने जो है 20,000 रुपये ब्याज सहित उसको पैसा वापस लौटा दिए. यही चीज़ बार्टर एक्सचेंज में पॉसिबल नहीं है. मान लीजिए आपने आज किसी को भेज दी है ना, तो अब 2 साल बाद उसको क्या देंगे? भेज के साथ एक बछड़ा जरूरी नहीं है ना, कि बछड़ा हो ही सही. हाँ. तो वो फ्यूचर पेमेंट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, या फ्यूचर पेमेंट कैलकुलेट करना पार्टनरशिप सिस्टम में पॉसिबल नहीं है. इसलिए मनी जो है, मनी का एवोल्यूशन इसलिए हुआ कि हम फ्यूचर पेमेंट भी आसानी से कर सकते हैं. yes. और मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ही सीख है. वेल लेट अस कम टू द
money supply. What is money supply? Sir, money supply is the total volume of money held by the public in the public in cash in hand in the form of cash in hand and in saving deposits in the banks, commercial banks. Sir, they put their money in the banks. So and saving deposits plus cash in hand with RBI. Okay. What is M1? M1, sir. M1 is sir. In the M1, it is the sir small concept means sir, not broader, but. M1 में क्या आता है सर, जो पब्लिक के पास पैसा है वो और उन्होंने जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में पैसा रख रखा है, जो उन्होंने बैंक में जमा कर रखा है, बैंक में रख रखा है सेविंग डिपॉजिट। M2 में सर, M1 तो नहीं सर, उसमें भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो पैसा रख रखा है वो है और M1 का वो सारा। M3 में सर M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। हाँ तो गाइस, आई होप कि आपको जो ये भी वाइवा हुआ इससे आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मैंने बिल्कुल रैंडम स्टूडेंट्स को यहाँ बुलाया था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास के टॉपर्स को बुला लिया और ऐसा कुछ भी मैंने सोचा, मैंने सिर्फ रैंडम स्टूडेंट को बुलाया और जो है वाइवा कंडक्ट किए। आई होप कि आपको ये कुछ हेल्प करेगा। तो ऐसे और भी वीडियो अब हम लोग लगातार अपलोड करते रहेंगे, तो आप बने रहें हमारे साथ। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।